पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक जननेता तरुण भनोत ने शक्तिनगर में मिनी स्पोर्ट्स सेंटर की सौगात हमें दी है। ये सौगात सभी उम्र और वर्ग के लोगों के लिए एक उपहार है। वर्षों से यहाँ लोगों की मांग थी कि फिटनेस से लेकर सुबह शाम की सैर के साथ इंडोर खेलों और बच्चों के लिए सेंटर बनाया जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मात्र 15 माह के कार्यकाल के दौरान श्री तरुण भनोत की सोच और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मिनी स्पोर्ट्स सेंटर की कार्ययोजना तैयार की गई। इसके बाद स्थान का चयन किया और आज मिनी स्पोर्ट्स सेंटर आपके सामने है। खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करने में हमेशा अग्रणी रहने वाले पश्चिम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक तरुण भनोत ने शक्तिनगर में लगभग 5 करोड़ की लागत से मिनी स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की प्रस्तावित योजना मध्य प्रदेश शासन एवं जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के समक्ष रखी थी। सेंटर में आकर्षक झूले, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सहित अन्य खेलों की भी व्यवस्था है, जबकि फिटनेस के लिए मिनी जिम और सुबह शाम सैर करने के लिए ट्रैक बनाया गया है। अच्छा है, बच्चों के लिए हमारे नियर बाय बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। इवन मैं अपने 1.5 साल की बेटी को लेके आई हूँ, उसको भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं वो लोग और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक बहुत अच्छा प्रयास है, काफी समय से हम इसका वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ इस एरिया में ओपन हो। सबसे पहले तो विधायक जी को धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, ऐसी कुछ चीज लेकर आए जिससे बच्चों का, मतलब बच्चे यहाँ पे स्विमिंग करने आते हैं, यहाँ पे इवन बास्केटबॉल का भी है, हम चाहते वो भी ओपन हो जाए, स्केटिंग के लिए भी हो जाए। और जब से ये स्विमिंग पूल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इवन उन्होंने इंस्ट्रक्टर भी इतने अच्छे दिए हैं कि बिल्कुल एक एक पॉइंट के साथ बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं और आगे के लिए भी बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे ये भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहे। मैं अमित शुक्ला, एडवोकेट, शक्तिनगर जबलपुर का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में यह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स माननीय विधायक श्री तरुण भनोट के द्वारा जो क्षेत्रीय आम जन को ये जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उनके लिए मैं अनुग्रहित हूं और सादर धन्यवाद प्रदान करता हूं कि उन्होंने यहां के क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए एक अनुपम सौगात स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रदान की है। माननीय तरुण भनोट जी ने हमारे एरिया के बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू किया है ये उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे मैं कहूँ, पहले हम यहाँ रावण दहन होता था और सर आते थे, स्पीच देते थे, वो कहते थे हम शुरू कराने वाले हैं, तब मुझे लगता है यूँ बरवली के सर ऐसे ही बोल जाते हैं और ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने यकीनन इसको शुरू करा दिया।